केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। सर, जैसे ही जुल्फिकार जुल्ला ने जो है यहाँ का जो जिम्मेदारी ली है मैसूर सिटी की, जो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष की, उसी दिन से हम आपको उनके साथ में देखते आ रहे हैं कि लगातार जो है आप लोगों को जो है जेडीएस की तरफ जोड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज क्रिश्चियन कॉलोनी में पहली एक महिला हम उनको देखने को मिली जो आपने जो है मैसूर सिटी की उपाध्यक्ष के लिए चुना है, तो इसके बारे में हम आपसे दो बात जानना चाहते हैं सर। एक्चुअली क्या है, इनके बारे में क्या भी बोलने का नहीं है, हमें पोस्ट देखो ही तुम्हें खुद मालूम होता है इन्हों कैसा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इनकी अच्छी टीम है। मेन सबसे पहले क्या है, एजुकेटेड्स को सबसे पहले प्रेफरेंस देना, पढ़े लिखे रहना, हर चीज़ को घुसमुस को काम करने वाले, एक बहुत अच्छा इनकी टीम है जहाँ तक हमें देखो ही, तो हमें हमारी जबान से क्या भी बोलने का नहीं है। आने के दिनों में तुम्हें खुद मालूम होता है इन्हों कितना अच्छा हार्ड वर्क करती, पार्टी को मजबूत करने के वक्त को कितनी मेहनत करते हैं, तुम लोगों को खुद मालूम होता। सर, जेडीएस में अभी जो इलेक्शन तो अनाउंस हो गया, अभी जो है जेडीएस का कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ, तो बहुत लेट हो जा रहा नहीं क्या सर? देखो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पहले एनआर क्षेत्र के अंदर हमारे अब्दुल अजीज अब्दुल्ला साहब जो हैं बहुत गौर फिक्र करको एनआर क्षेत्र को बहुत से बहुत मेहनत करको ही, जेडीएस यति एनआर क्षेत्र में स्ट्रांग होने के कारण पहले तो पहले उनका नाम अब्दुल्ला सर का मैं नाम बोलना चाहता हूँ। डोर लेवल से, गली लेवल से, स्ट्रीट लेवल से, हर एरिया फिर को उन्होंने एक जेडीएस को मजबूत बना को ही, और उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट करको ही मैसूर के अंदर। क्या करको बोलेगा तो फर्स्ट वुमेन माइनॉरिटी लेडी टू बिकम ए मैसूर मेयर फॉर मैसूर सिटी, डिप्टी मेयर बना को ही, इससे अच्छी मिसाल और क्या है। तो बहुत अच्छा, देखो भाई, पहले भी पिछले एक स्टेटमेंट में मैं तुमने बोल को क्या कर को, तो ये पूरा एक घर का खिस्सा हाईकमांड हमारे नर क्षेत्र के अब्दुल्ला भाई छे, तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं कैंडिडेट अनाउंस हुआ तो लेट अनाउंस होने की वजह से कैंडिडेट को जो है मुश्किल का सामना नहीं डे वन से। देखो वो तो मैं बोलना चाह रहा हूँ अपने को, एनआर क्षेत्र की हाईकमांड को अब्दुल अजीज अब्दुल्ला साहब मेहनत उनकी जो करको ही, इलेक्शन को भी हमें उनकी लीडरशिप में जाती है इनशाला, उनकी लीडरशिप में। मैं पहले भी एक तुमने एक स्टेटमेंट देखो था तुम्हारे एक चैनल के तरफ से, क्या करके बोलेगा तो हमारा एक घर का खिस्सा फैमिली जैसा, हमें जितने भी एस्पिरेंट सिंह पूरे फैमिली करको मैं बोला था, तो बड़े भैया को अब्दुल्ला भाई, उनसे उनके बाद जितने भी एस्पिरेंट सिंह पूरे घर का खिस्सा करको मैं तुमने ऑलरेडी मैं बोल को हूँ। सर, पिछले दो तीन दिनों से ये भी देखा जा रहा है कि मैसूर के पूर्व मेयर अयूब खान के घर पर जो है लगातार लोग ये कह रहे हैं कि अयूब खान को जो है जेडीएस के तरफ से जो है नसीम राजा क्षेत्र के लिए कंटेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, मैं भी देखा है ये चीज़, बहुत सारे उनको चाहने वाले जाको उनको स्वागत करने के वक्त को उन्होंने जिन जिन को काम आको ही उनके जितने चाहने वाले हैं घर के पास गए, धरना बैठे, अपील करे, तो मैं क्या बोलता हूँ, और अब अयूब खान साहब भी जाने जाते हैं उनके काम से, अच्छा काम करी, कांग्रेस पार्टी में होते साल से थे उन्होंने, कांग्रेस पार्टी में उनको धोखा हो को है, तो वेलकम करने के वक्त को हमें तैयार ही, तो जैसा हाईकमांड हमारी तय करना टिकट किसे देना नहीं देना करके, अब्दुल अजीज अब्दुल्ला साहब ही, नूरी भई, शाहिद भई, शाहबाज ही, जितने भी हमारे एस्पिरेंट सिंह पूरे बैठती बात करको इंशाल्लाह, ताकत बन को सपोर्ट भी करती इंशाल्लाह। कैंडिडेट उनोच करके मैं बोलता नहीं, अभी भी कैंडिडेट उन्हों करके मैं बोलता नहीं, कैंडिडेट तय करने वाले हाईकमांड हमारे कुमार राणा साहब ही और सीएम इब्राहिम साहब ही, देवेगौड़ा साहब ही, उन्होंने जिसे भी टिकट देती है इंशाल्लाह, जितनी हमें मेहनत करको ही तो उसी हिसाब से हमें मेहनत भी करको एक ताकत भी बनती है इंशाल्लाह, जिता लगो भी आता इंशाल्लाह। लगभग मेरे हिसाब को एक 4-5 दिन में हो जाएगा, नेक्स्ट वीक की बात।